मोबाइल ऐप जो पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा डेवलप किया गया है, जिससे सभी छठ व्रतियों को घाट के किनारे छठ पूजा करने में सुविधा प्रदान करता है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि छठ पूजा दिवाली के 6 दिन बाद मनाई जाती है। यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घायु, सौभाग्य और खुशहाल जीवन के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती है और 4 दिनों तक चलने वाले छठ की शुरुआत 17 नवंबर को नहाए खाए के साथ होगी। सबसे पहले हमें अपने प्ले स्टोर पर जाना होगा और प्ले स्टोर पर आपको, ये आपका प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर, यहाँ आपका प्ले स्टोर है, आप जैसे देख रहे हैं ये आपका प्ले स्टोर है। इस प्ले स्टोर पर जाकर आपको सबसे पहले छठ पूजा पटना के नाम से सर्च करना पड़ेगा, छठ पूजा पटना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ छठ पूजा पटना के नाम से मेरे द्वारा सर्च किया गया है और यहाँ आपको छठ पूजा का ऐप, यहाँ का APK फाइल शो कर रहा है। उसके बाद इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ क्लिक करके हम इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद हम ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। ओपन बटन पर क्लिक करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये आपका ऐप ओपन हो जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना के द्वारा डेवलप किया गया है। इस ऐप के माध्यम से हम बहुत सारे पटना डिस्ट्रिक्ट के छठ पूजा की सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं कि छठ पूजा का शुरुआत 19 नवंबर शाम को 5 बजे हो रहा है और सूर्योदय आपका 20 नवंबर को सुबह 6:10 पे हो रहा है। इसके साथ ही इस ऐप के माध्यम से छठ पूजा के बारे में हम जानकारी पा सकते हैं। इस पर क्लिक करने पर ये हम देख सकते हैं कि पूजा के बारे में बताया गया है कि छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए पवित्र नदी गंगा में डुबकी लेना शामिल है। लोग विशेष पेशकश और अनुष्ठान करने के लिए गंगा पानी को अपने घर ले जाते हैं और घर को इसी दिन पूरी तरह सफाई की जाती है। इसके अलावा इस ऐप में और भी बहुत सारे फीचर हैं, जैसे आप पूजा के व्यवस्थापक कौन कौन है इसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप यहां क्लिक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि पूजा के व्यवस्थापक में पटना जिला के जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और साथ साथ उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है। साथ ही साथ यहां के पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त और विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन का भी डिटेल दिया। अगर किसी प्रकार की आपको सहायता की आवश्यकता होती है तो आप इनको डायरेक्ट कॉल करके आप इनका हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ साथ इस पूरे पटना डिस्ट्रिक्ट को एक सेक्टर के रूप में डिवाइड किया गया और हर सेक्टर का एक प्रभारी है डिफाइन किए गए हैं। इस प्रभारी के बारे में भी डिटेल आप सेक्टर प्रभारी बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे सेक्टर 1 नकटा दियरा घाट है, जो जहाज घाट रामजी चक स्कूल पर है और इसके जो प्रभारी हैं देवेंद्र प्रताप शाही, अपर संहारता आपदा प्रबंधन है, जिनका मोबाइल नंबर यहाँ आपको उनकी पूरी डिटेल आपको यहाँ बताया गया है। उसी तरह इस ऐप के और भी आपके फीचर्स हैं, जैसे घाट के प्रभारी कौन है। आप इस ऐप के माध्यम से आप ये देख सकते हैं, जैसे यहाँ घाट की प्रभारी का डिटेल है, आप इसको देख सकते हैं। साथ ही आप घाट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण घाट आप यहाँ से बैठकर आप देख सकते हैं। इस माध्यम यहाँ आपका घाट देखे करके बटन अवेलेबल है, इस पर आप क्लिक करके आप अपने घाटों को देख सकते हैं। जैसे ये घाट 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, पटना सदर, पटना सिटी, दानापुर। आप
अगर पटना सदर का देखना चाह रहे हैं तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और अपने नज़दीक और अपने सुविधा के अनुसार आप वहां जा सकते हैं। साथ साथ इन घाटों को GPS के थ्रू भी टैग किया गया है, जिसे आप दिशा प्राप्त करें बटन पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग डायरेक्ट इसके ऐप के माध्यम से गूगल पे जाकर यहाँ हम इस जगह पर बैठकर यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा घाट इस पोजीशन से कितने दूरी पर है, यहाँ हम फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से हम लोग खतरनाक घाट भी देख सकते हैं, जिस घाट पर छठ करना प्रशासन के द्वारा मना किया हुआ है। आप इस पर खतरनाक घाट का भी डिटेल पा सकते हैं, जैसे आपका मीनार घाट, राजापुर घाट, TN बनर्जी घाट, अंटा घाट, अदालत घाट, मिश्री घाट और LCT घाट है। इसके अलावा गंगा घाटों के अलावा इस ऐप के माध्यम से आप तालाबों की सूची भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आपका तालाब सूची का लिंक अवेलेबल है, आप इस पर क्लिक करके आप तालाब की सूची प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ आप अपने सुविधा के अनुसार छठ का अर्घ दे सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे फुलवारी शरीफ में आपका है, बेउर में रामचंद्र बाबू का तालाब है और आपका कृष्णा तालाब है, जकनपुर तालाब है, पंचमंदिर तालाब है, जो विभिन्न जगहों पर उपलब्ध है। तालाब और नदी के अलावा अन्य महत्वपूर्ण घाट भी इस डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, जिसको आप अन्य महत्वपूर्ण घाट बटन पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए, उल्लार सूर्य मंदिर दुल्हिनी बाज़ार, मुन्नी चक मंदिर मसौड़ी, पुण्यार चक मंदिर पंडारक, पंचरुखी पुनपुन में अवेलेबल है। इसके अलावा आप इस ऐप के माध्यम से जो सावधानी बरतने हैं वो सावधानी भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आपका पूजा के दौरान नाव का उपयोग प्रतिबंधित है, त्यौहार के दौरान तैरना मना है, घाट या इसके नज़दीकी कहीं भी पटाखे का उपयोग न करें। इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से आप परिवहन और यातायात के बारे में भी जान सकते हैं, जिसकी पूरी डिटेल यहां आपको दी गई है कि रोड के माध्यम से आप कैसे पहुंच सकते हैं, ट्रेन के माध्यम से कैसे पहुंच सकते हैं और प्लेन के माध्यम से कैसे पहुंच सकते हैं। साथ ही आप अगर आपको कोई हेल्प की आवश्यकता हो तो आप सहायता केंद्र बटन पर क्लिक करके आप अपनी नज़दीकी सेंटर से हेल्प ले सकते हैं। इस पर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एंड मेडिकल, पुलिस, एम्बुलेंस, फायर, इलेक्ट्रिसिटी, GMPSU, पटना नगर निगम, बुडिको आदि का हेल्प नंबर दिया हुआ है और आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इन नंबरों पर कॉल करके आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपका अगर कोई सुझाव या शिकायत हो तो आप इस ऐप के माध्यम से आप अपनी सुझाव और शिकायत भी दे सकते हैं, जो इस बटन पर क्लिक करने पर उपलब्ध होगा। आप डायरेक्ट यहां आप अपना शिकायत या सुझाव पिक्चर कैप्चर करके आप अवेलेबल करा सकते हैं। यह ऐप काफ़ी यूजफुल है और सभी पटना वासियों से अनुरोध है कि आप इस ऐप का उपयोग अधिक से अधिक करें और आपका छठ पर्व अच्छा से मन सके, ये हमारी शुभकामना है। थैंक यू।